नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या निन्यानवे ए जो कि आपको मिली है अट्ठाईस अक्टूबर दो को कक्षा आपकी पाँचवीं है जो भी आपका सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे पाठ्यपुस्तक हमारी रिमझिम में और पाठ हम अच्छे से पढ़ चुके हैं चावल की रोटियाँ विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है शिक्षक या शिक्षिका का नाम पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं आज की इस में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों आपने पाठ चावल की रोटियां पढ़ा जिसमें कोको -को अपनी माँ के द्वारा बनाई गई अपनी मनपसंद चावल की रोटियों को अलग अलग तरकीब लगाकर अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश करता है ताकि वह उन रोटियों को स्वयं खा सके किसी के साथ ना बांटे आइए अब हम इस पाठ में से कुछ नया सीखेंगे तो आपको क्या लगता है किसी के साथ बांटना अच्छी बात होती है या किसी के साथ सामान को ना बांटना अच्छी बात होती है इसके बारे में आप सोचिए आइए जल्दी से हम इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं जो कि हमारे पाठ से ली गई हैं और पाठ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं पाठ से लिए गए निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो यहाँ हमारे पाठ से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं कोको आठ वर्ष का बर्मी लड़का था कितने वर्ष का था आठ वर्ष का बर्मी लड़का था एक सुबह उसके माता पिता खेत में धान लगाने गए धान किसे कहते हैं चावल को कोको की माँ उसके लिए अपनी मनपसंद चावल की रोटियाँ बनाकर रख गई थी कोको ने रोटी खाना शुरू ही किया था कि उसके दोस्त नीनी ने नी दरवाजे पर दस्तक दी कोको अपनी मनपसंद रोटियाँ किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था इसलिए उसने झट से रोटी की तस्तरी यानी कि जो प्लेट थी उसके पास रेडियो के पीछे छिपा दी नीनी रेडियो पर परीक्षा संबंधी खबर सुनने के लिए आया था कोको ने रेडियो खराब होने का बहाना बनाया एक और झूठ बोला ये सुनकर नीनी वहाँ से चला गया कोको फिर से रोटी खाने लगा दरवाजे पर फिर दस्तक हुई दस्तक होना यानी कि घंटी बचना किसी का आना इस बार उसकी दोस्त मिमी ने दस्तक दी थी कोको ने रोटी की तस्तरी को गुलाबी रंग के फूलदान में छिपा दिया अगर वो सबके साथ बांट कर खाता तो कितना अच्छा होता चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कोको की माँ ने उसके लिए नाश्ते में क्या बनाया तो आप सभी जानते हैं अभी अभी हमने पढ़ा कोको की माँ ने उसके लिए नाश्ते में उसकी मनपसंद चावल की रोटियाँ बनाई तो इस तरीके से इसका उत्तर आप यहाँ पर लिख लेंगे दूसरा हमारा प्रश्न है कोको ने चावल की रोटियों को फूलदान में छिपा क्यों रखा क्योंकि कोको अपनी रोटियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था वह स्वयं ही सारी रोटियाँ खाना चाह था क्योंकि उसको चावल की रोटियां बहुत पसंद थी इसीलिए वो अपने दोस्तों से छिपाने के लिए चावल की रोटियों को फूलदान में छिपा देता है तो इस तरीके से आप क्या कर लेंगे लेंगे इसका उत्तर भी लिख लेंगे। कोको के घर उसके कौन कौन से दोस्त आए थे उनके नाम लिखिए तो याद कीजिए सबसे पहले पाठ में कोको से मिलने कौन आता है नीमी आता है और नीनी से भी वो अपनी चावल की रोटियां छिपा लेता है रेडियो के पीछे छिपा देता है थोड़ी देर बाद मिमी आती है और मिमी से भी कोको अपनी चावल की रोटियां छिपा लेता है रोटियों को गुलाबी रंग के फूलदान के पीछे छिपा देता है और बाद में कौन आता है बाद में तिनसु भी आता है तो तिनसु से भी वो छिपा लेता है नीनी तिनसु और मिमी ये तीन दोस्त उसके घर पर आते हैं इन तीनों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं कोको ने अपने दोस्त नीनी से क्या कहा जब नीनी कोको के घर आता है और नीनी दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हो गई ये बात पूछता है तो कोको कहता है कुछ खास नहीं मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था और साथ में जब वो रेडियो पर खबर सुनने की बात कहता है तो कहता है उसका रेडियो भी खराब है तो इस तरीके से कोकोनिनी से बात करता है आइए आगे, आगे देखते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं कोष्टक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए कोष्टक क्या होता है जो ये ब्रेकेट होता है इस तरीके से हम लगाते हैं ये आपके जो ब्रेकेट्स यहाँ पर दिए गए हैं ये हमारे क्या हैं कोष्टक हैं तो आपने यहाँ से सही शब्द का चुनाव करना है और रिक्त स्थान यानी खाली स्थान को भरना है कोको के कमरे में फर्श पर एक खाली स्थान बिछी थी याद कीजिए जब आपने पाठ को पढ़ा था तो कोको के कमरे में फर्श पर क्या बिछी थी एक चटाई बिछी थी कौन सा शब्द आएगा चटाई दुकान का मैनेजर खालिस्थान रंग का फूलदान लाया था अब याद कीजिए गुलाबी रंग का फूलदान तो पहले से ही रखा था उनके घर पर और जो दुकान का मैनेजर था उबातून वो क्या लेकर आता है नीले रंग का फूलदान लेकर आता है तो नीले रंग का फूलदान यहाँ पर क्या लिखेंगे आप नीले रंग का फूलदान लाया था मिमी कागज का स्थान खोलती है तो मिमी क्या लेकर आती है केले के पापड़ लेकर आती है और केले के पापड़ का जो बंडल था वो खोलती है तो यहां पर क्या आएगा बंडल तिनसु और खालिस्तान ने मिलकर पापड़ खाए और चाय पी तो तिनसू के साथ कौन मिलकर खाता है मिमी मिलकर पापड़ खाती है और चाय पीते हैं क्योंकि निनी तो पहले ही जा चुका था भूख से कोको का पेट क्या कर रहा था गुड़ गुड़ कर रहा था बड़बड़ -बड़ तो क्या होता है बोलना होता है लेकिन जब पेट हमारा बोलता है तो उस आवाज़ को हम क्या कहते हैं गुड़ गुड़ करना तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे गुड़ गुड़ करना तो अगर पाठ हमने फिर से ध्यान से पढ़ा है तो हम इन सभी का जवाब अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि हमें पता होता है पाठ में कौन सी बात की गई थी तो इन सभी खाली स्थान को भी आप यहाँ पर भर लेंगे आइए देखते हैं आगे आपसे क्या पूछा गया है आपका मनपसंद भोजन क्या है अब ये तो आप ही बता सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है तो उसका नाम आपको लिखना है यदि आप कोको की जगह होते तो क्या आप अपना मनपसंद भोजन अपने दोस्तों के साथ बांटना पसंद करते यदि हाँ तो क्यों और यदि नहीं तो क्यों नहीं अब मान लीजिए आपके सामने आपकी मनपसंद कोई भी खाने की वस्तु रखी है उसको आप खाना ही चाहते हैं और आपके दोस्त आ जाते हैं जैसे कि चावल की रोटियां पाठ में आते हैं तो क्या आप उनके साथ बांटेंगे या फिर ऐसे ही आप झूठ बोल देंगे कि नहीं नहीं मैं तो खा चुका हूँ उसको छुपा देंगे जैसे कोको ने किया तो ये तो आप ही बता सकते हैं तो क्या आपको बांटना चाहिए या फिर नहीं बांटना चाहिए आप बांटेंगे या नहीं बांटेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे अपने मन के हिसाब से लिखेंगे हाँ एक बात का आपको ध्यान रखना है अगर आप नहीं बांटना चाहते तो आप नहीं बांटने के बारे में लिख सकते हैं आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कई बार सच में ही हमारा मन नहीं करता अपनी मनपसंद वस्तुओं को बांटने का तो ऐसा नहीं है कि अच्छा बनने के लिए हम का ही उत्तर देंगे आप नहीं भी कह सकते हैं अगर वास्तव में आपका मन नहीं करता है तो तो सही जवाब आपको यहां पर लिखना है साथ में आप देख सकते हैं अभिभावकों के लिए सुझाव दिए गए हैं अभिभावक कौन होते हैं आपके माता पिता होते हैं बच्चे से उसके मनपसंद नाश्ते के बारे में पूछिए नाश्ता बनाते समय बच्चों को अपनी माँ के साथ उनकी मदद करने के लिए भी प्रेरित कीजिए तो जब आपकी माँ या आपके पापा कभी भी नाश्ता बनाते हैं आपकी मनपसंद नाश्ता बनाते हैं तो आप उनकी मदद कर सकते हैं उनसे बातें कर सकते हैं उनकी मदद कर सकते हैं और मदद करेंगे तो धीरे धीरे वो कैसे खाना बनाते हैं ये आप भी सीख जाएंगे तो एक अच्छी बात होती है कि मिल बाँट हमें एक दूसरे के काम में सहायता करनी चाहिए और साथ में मिल बांट कर हमें खाना चाहिए कोको की तरह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में कोको कितना पछताता है तो बच्चों आपको कार्य पत्रिका मजेदार लगी न अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा तो आज हमने देखा कि जो पाठ हम पढ़ चुके हैं उसको हमने कितने ध्यान से पढ़ा है आशा करती हूँ सभी को समझ में आया होगा और आप सभी सुंदर और साफ लिखाई में इस कार्य पत्रिका के दोनों प्रश्नों को और साथ में गतिविधि को अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा कर लेंगे कोविड नाइन्टीन के दौरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कार्यपत्रिका के साथ तब तक स्वस्थ रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए और मिल बाँट अपनी वस्तुओं का प्रयोग करते रहिए क्योंकि मिल बाँट जब हम कोई भी वस्तु प्रयोग करते हैं या कोई भी वस्तु खाने की है उसको खाते हैं तो अलग ही आनंद आता है धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद